हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टोमेटो पाउडर। उसके लिए हमने 2 kg टमेटो लिए हैं और वो अच्छे से 2 बार धो के और नेपकिन से अच्छे से पोंछ लेना है। पानी नहीं रहना चाहिए, पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए उसमें, नहीं तो टमेटो ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद उसे सर्कल में कट कर लेंगे, बिल्कुल पतले सर्कल में कट कर लेने हैं। कट करने के बाद उसे धूप में सुखाना है। ये हमने 2 किलो टमाटर लिए हैं और 2 बार धो लिए हैं, उसके बाद पोंछ भी लिए हैं। पोंछने के बाद अब कट करेंगे और कट करते समय सर्कल जो हम कट करेंगे, कट करते समय जो जूस निकलेगा टोमेटो का वो भी उसमें नहीं जाना चाहिए, वो दूसरे बाउल में निकाल लेना है। क्योंकि अगर टमाटे गीले रहेंगे तो इतनी जल्दी सूखेंगे भी नहीं और ख़राब हो जाएंगे। और हर रोज़ टर्न करना है, ऐसे रखना है जैसे सर्कल करके, और डिश में ऐसे रख के और पूरा फैला देना है। अलग अलग रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो सूखेंगे नहीं और ख़राब हो जाएंगे। और टमाटर अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, कठिन लेने हैं, सॉफ्ट नहीं लेने हैं, और देसी टमाटर भी नहीं लेने हैं क्योंकि उसमें बहुत जूस निकलता है। देखिए ऐसे कट करके डाल देने हैं और जूस निकलेगा। जो हमने कटोरे में जूस निकला है वो टमाटर का है, वो उसमें नहीं डालना है। ये सभी टमाटर हमारे हो गए हैं, सर्कल शेप में हमने कर दिए हैं और पतले किए हैं, सभी फैला दिए हैं हमने डिश में। और अब इसे धूप में रखेंगे, धूप में कपड़ा ढक कर रखेंगे, अच्छी सी पतली सी चुन्नी लेके उसके ऊपर ढक देंगे ताकि उसमें धूल या कोई और भी कुछ भी न जाए। और धूप में डालने के बाद सुबह डालेंगे, शाम को लेके आएंगे नीचे और टर्न करना है। टर्न नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएंगे, आपके डिश में चिपक जाएंगे, आपके डिश में चिपक जाएंगे और आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी, इसमें से निकलेंगे नहीं। जब तक आप गीले नहीं करेंगे तब तक निकलेंगे नहीं, इसलिए 2-3 घंटे के बाद इसे टर्न करना है। और 2 दिन ऐसा करना है, टर्न करना है, तीसरे दिन ये बहुत सारे सूख जाएंगे और चौथे दिन बिल्कुल सूख जाएंगे, ऐसे टर्न ही करना है। और ये काले जो हो गए हैं उसे निकाल लेना है, वो अच्छे से हुए नहीं है या फिर जल गए हैं ज़्यादा धूप की वजह से, या फिर ये गीले होने की वजह से काले पड़ गए हैं। जो भी काले हैं वो निकाल लेने हैं और जो गीले रह गए हैं 1-2 वो भी निकाल लेने हैं लास्ट में, उसके बाद ही पाउडर बनाना है। ये पाउडर बहुत काम आता है मैगी में, नूडल्स में, पास्ता में, सब्जियों में बनाने में आसानी रहते हैं। जब भी टमाटर नहीं मिलते या फिर महंगे मिलते हैं तब ये पाउडर बहुत काम आता है। तो ये हमारे सभी टमाटर सूख गए हैं पीसेस, और जो काले पड़ गए हैं थोड़े 1-2 वो हमने निकाल लिए हैं। ये हमारे काले पड़ गए थे थोड़े, वो हमने निकाल लिए हैं और अब पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारे रेडी हो चुका है, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन लगते हैं इसको सूखने में। ये हमारे सूख गए हैं, अब हम जार में ग्राइंड फाइन कर लेंगे और छान लेंगे, या फिर घर में टमाटर न हो तो भी बहुत काम आता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है टोमेटो पाउडर।